जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ में आपने पारसाई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है, कंप्लेंट करा है, क्या क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, हमारा जो भारत देश है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मानव के जो आधार हैं, आदरणीय CM साहब ने उसको क्रेश करने की बात की है, उसको क्रॉस करने की बात की है। देखिए, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गलत बातों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप देखिए, हमारा देश भारत, जिसमें विभिन्न प्रांत हैं और उसमें महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें विभिन्न भाषी लोग रहते हैं, पृथक पृथक प्रदेश से आकर के यहाँ पे लोग निवास करते हैं। अब देखिए, अब आप उसको बोलेंगे कि प्रत्येक आदमी के पीछे आप पुलिस लगा दीजिए, तो ये अशोभनीय है। इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। जो संविधान ने हमको राइट्स दिए हैं उसको जो है किसी प्रकार से खत्म नहीं करना चाहिए। ये संघीय ढांचे का बहुत बड़ा अपमान है। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था, पर प्रांतियों को लेकर के। सर, जिस तरीके से गंगा जमुना जो है तहजीब कहा जाता है भारत को, इस तरीके की चीजें होने से आपस में मतभेद होंगे या विभाजन होगा, इस तरीके की चीजें लगती हैं? देखिए, ऐसा मैं आपको एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूँ, शायद मुझे खुशी होगी आंकड़ा देते हुए। मुंबई से लगातार मराठी भाइयों का पलायन हो रहा है। CM को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, इस विषय पर उनको चिंतित होना चाहिए कि हमारे मराठी भाइयों का मुंबई से क्यों पलायन हो रहा है। मुंबई में आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लाइट का बिल मुंबई में सबसे ज़्यादा है, जो रूम का रेंट है मुंबई में सबसे ज़्यादा है, आप देखेंगे खाना मुंबई में सबसे ज़्यादा महंगा है। तो CM साहब को महंगाई के विषय में देखना चाहिए, जो यहाँ पे मराठी भाइयों का पलायन हो रहा है उसके बारे में देखना चाहिए। अब देखिए, आप जो आपकी पुलिस है, आप 50% पुलिस को तो हमेशा बंदोबस्त में लगा करके रखते हो, जो VIPs को प्रोटेस्ट करते हैं, VIP कल्चर आपसे खत्म हुआ जा नहीं रहा है। जब आप हमारे महाराष्ट्र की पुलिस को, मुंबई पुलिस को आप इतना ज़्यादा बिजी रखोगे तो वो कैसे काम करेंगे? आप उनको जो VIP कल्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन निगरानी पर प्रांतियों पर ही नहीं, सब पर होनी चाहिए। भारत के हर एक नागरिक पर मैं कहता हूँ निगरानी होनी चाहिए संविधान के तहत। अगर वो बीमार है तो आप निगरानी कीजिए, कितने लोग बीमार सड़ते रहते हैं उसकी निगरानी करने की ज़रूरत है, कितने बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है उसकी निगरानी करने की ज़रूरत है, कितने माँ बाप बच्चे घर से निकाल देते हैं, माँ बाप सड़क में पड़े रहते हैं उसकी निगरानी करवाने की ज़रूरत है। मानता हूँ, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, गुनहगार कहीं का भी हो, गुनहगार गुनहगार होता है। इस घटना में, जो घटना इस बहन के साथ हुई है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने, आप देखिए, जगह जगह पे हमने बैनर लगवाया कि गुनहगार को फांसी दीजिए। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने जोरदार कंडम किया कि गुनहगार